दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल को लेकर वहीं ट्रैफिक जगह जगह डाइवर्ट किया गया, और ट्रैफिक जो डाइवर्ट किया गया इसके जगह जो है वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए हैं। वजह ये रही कि दिल्ली नोएडा की तस्वीर आप देख लीजिए, कई इलाकों में अभी भी जाम लगा है। दिल्ली नोएडा के बीच कालिंदी कुंज वाली रोड के अलावा डीएनडी यानी कि दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईओवर है, बदरपुर रिंग रोड है, गाजियाबाद की तरफ आप जा रहे हैं NH24 जो मार्ग है यहाँ पर बहुत ज्यादा जाम लगा है, गाड़ियां रेंग रेंग कर यहाँ पर चल रही हैं, दिक्कतें लोगों को अभी भी आ रही हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कल ही नोएडा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था को जारी रखने के लिए, सुचारू रूप से ठीक करने के लिए, यातायात व्यवस्था बेहतर करने के लिए कोई इंतजाम किए नहीं गए, जिसके कारण हर कोई आज ऑफिस लेट पहुंचा है या स्कूल लेट पहुंचा है। गणतंत्र दिवस का फुल ड्रेस रिहर्सल कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट इसीलिए किया गया, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग में ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया। जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं, और ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से ही इस तरीके का जाम लगा है। तो अगर आप NH24 पकड़ रहे हैं, डीएनडी पकड़ रहे हैं या फिर कालिंदी कुंज वाली रोड पकड़ रहे हैं, अवॉइड करिए इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर ना ही जाएं तो बेहतर है। हमारे संवाददाता अमित चौधरी इसी कड़ी में दिल्ली नोएडा डायरेक्ट हैं, यानी कि नोएडा से दिल्ली जो जा रहे हैं, दिल्ली से जो नोएडा आ रहे हैं वो किस तरीके की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, हमारे संवाददाता अमित बता रहे हैं। नोएडा में आज सुबह से ही जाम की स्थिति बनी हुई है, तमाम जो मुख्य चौराहे हैं या मुख्य सड़कें हैं उन सभी पर जाम लगा हुआ है। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, ये रूट डीएनडी से रजनीगंधा की तरफ आने वाला रूट है और यहाँ पर करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ऐसे ही हालात मयूर विहार से नोएडा आने वाले रूट पर है, वहाँ पर भी ट्रैफिक काफ़ी स्लो है और 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। साथ ही जो कालिंदी कुंज जाने वाला रोड है दिल्ली की तरफ जाने वाले रूट पर भी और आने वाले रूट पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। उसके अलावा महामाया फ्लाईओवर के पास में रजनीगंधा चौराहा, इंडियन ऑयल चौराहा, तमाम जो मुख्य सड़कें या चौराहे हैं वहाँ पर सुबह से ही लोग जाम में फंसे हुए हैं, और इसका जो मुख्य कारण है ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि दिल्ली में आज परेड है, 26 जनवरी की जो रिहर्सल है उसके चलते कुछ रास्ते जाम है, जिसके चलते एकदम से प्रेशर नोएडा पर आ गया और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई जगह जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो भी नदारद मिले, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जल्द ही जाम को खुलवा लिया जाएगा। अमित चौधरी, इंडिया 24/7, नोएडा।